तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपने निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय लगी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, आपकी आज्ञा के बिना तीनों लोकों में एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। मुझे आपके डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। क्या आपकी इच्छा के बिना कपोत जैसा साधारण प्राणी इस भयानक शीत प्रदेश में एक क्षण में जीवित रह सकता है? इसके उपरांत भी यदि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझे दंड दें भोलेनाथ। मैं पापी आपके दंड का ही योग्य हूं स्वामी। मन छोटा न करो ध्रुव, ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम्हारी पात्रता पहले ही निश्चित हो गई थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हुए ब्रह्म ज्ञानी ध्रुव। भोलेनाथ, भोलेनाथ, आप कृपा निधान है, दया के सागर है। शाप ग्रस्त धोम्य को कपोत योनि से मुक्ति देने के लिए आपने कितना कष्ट किया है। आप कैलाश से यहाँ आए। जय जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। ये मैं क्या देख रही हूँ? डमरूनाद के उपरांत भी इस गुफा में ये युवा ऋषि कैसे प्रकट हो गए? माता, मैं औरव ऋषि का शिष्य ध्रुम्य हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भोलेनाथ की प्रेरणा? हाँ माता, मैं शापग्रस्त ध्रुम्य कपोत वन आकाश में उड़ रहा था, तभी मुझे भोलेनाथ के डमरूनाद द्वारा इस स्थान पर पहुंचने का आदेश मिला। माता, आज भोलेनाथ की कृपा से मेरा पुनर्जन्म हुआ है, अन्यथा कपोत योनि से मुझे मुक्ति कौन प्रदान करता? मैं समझ गई स्वामी, इन्हें ध्रुम्य ऋषि को शाप मुक्त कर ब्रह्म ज्ञान का उपहार प्रदान करने के लिए ही आप मुझे इस पवित्र अमरनाथ गुफा में लेकर आए। किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए स्वामी, पाकर भी मैं उस दिव्य ज्ञान से वंचित रह गई। मेरी अभागी निद्रा। पश्चाताप न करो पार्वती, तुम्हारा निद्रा मग्न होना भी हमारी ही लीला का अंग था। ध्रुम्य, अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं, उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। हाँ ध्रुम्य, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति यही कर्तव्य भी है, एवं संभवतः आने वाला भविष्य इस बात का साक्षी होगा कि तुमसे अधिक मूल्यवान गुरु दक्षिणा
किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को प्रदान नहीं की। जो आज्ञा माता। ब्राह्मण, हम तुम्हारे विनम्र स्वभाव और सदाचार से प्रसन्न होकर तुम्हें दिव्य शक्तियां भी प्रदान करेंगे। मैं आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं था भोलेनाथ। भगवान, अब मुझे आज्ञा दी जिससे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने गुरु को विषाद मुक्त कर सकूं। ओम नमः शिवाय। स्वामी, क्या मैं अब भी ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहूंगी? धैर्य रखो देवी, समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। अपने मन की उद्विग्नता का शमन करो देवी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न जन्म ले रहे हैं उनका निसंकोच उल्लेख करो। स्वामी, ये अमरनाथ गुफा आपके ब्रह्मज्ञान प्रदान करने से ब्रह्म भूमि बन गई है। इसके शांत तथा आध्यात्मिक वातावरण ने मेरे मन को प्रफुल्लित कर दिया है। स्वामी, अब मेरा मन यहाँ से जाने को उत्सुक नहीं है। क्या हम इस स्थान पर अनिश्चित काल तक निवास नहीं कर सकते? तनिक अपने नंदी तथा अन्य शिव भक्तों के साथ उन प्रियजनों की भी चिंता करो पार्वती, जो अपने समस्याओं के समाधान के लिए हमारी शरण में कैलाश पहुंचते हैं। हमें कैलाश पर ना पाकर सभी भक्त एवं प्रियजन भी ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्नशील होंगे, इससे उन सबका कल्याण होगा। माँ के हृदय में ममता का ही वास होता है। जो ज्ञान तुम स्वयं प्राप्त न कर सकी उसे अपने भक्तों को प्राप्त कराने के लिए कितनी ललायत हो तुम। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए हम तब तक यहाँ निवास करेंगे जब तक तुम स्वयं कैलाश जाने की इच्छुक नहीं होती। किंतु किंतु क्या स्वामी? हम यहाँ इस रूप में न रहकर हमारे प्रतीक हिम निर्मित शिवलिंग में ज्योति स्वरूप में निवास करेंगे। जो आज्ञा स्वामी। ओम नमः शिवाय। 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 गुरुदेव और की जय हो। तुम? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपका शिष्य भगवान शिव की महान कृपा से आपके श्री चरणों में कपोत योनि से मुक्ति पाकर पुनः उपस्थित हुआ है। गुरुदेव, मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तुम आ गए पुत्र, तुम आ गए। तुम्हारी यहाँ उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि स्वयं भोलेनाथ एवं तुमने अपने गुरु को क्षमा कर दिया। गुरुदेव, भगवान शिव शंकर तो अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करते रहते हैं, क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं है। गुरुदेव, यदि आप मेरी धृष्टता पर क्रोध ही ना करते तो मुझे ब्रह्म ज्ञान का शिव प्रसाद कैसे प्राप्त होता? ब्रह्म ज्ञान? हाँ गुरुवर, आपके आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर एवं माता पार्वती के मुझे न केवल दर्शन हुए अपितु मैंने स्वयं भोलेनाथ के श्री मुख से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। आओ पुत्र, आओ
तुम्हें शिष्य रूप में पाकर ये और धन्य हुआ। गुरुदेव, इस समय मैं भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से आपको दिव्य ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने आया हूँ। तो इस समय तुम मेरे शिष्य नहीं, अभी तो गुरु बनकर कृपा करने आए हो। ऐसा ना कहीं गुरु, ऐसा ना कहीं। इस धूम्य के जीवन का एक एक क्षण आपका ऋणी है। यदि आप इस तुच्छ अज्ञानी को शिष्य के रूप में स्वीकार ही नहीं करते तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त ही कहां होता। धूम्य मेरे पुत्र, भगवान शिव शंकर की कृपा और तुम्हारा ये उपकार मैं कदापि नहीं भूलूंगा, कदापि नहीं भूलूंगा पुत्र। इसे उपकार न कहे गुरुदेव, ये तो मेरी गुरु दक्षिणा है। इसे स्वीकार कर वास्तव में आप मुझ पर उपकार करेंगे। गुरुदेव, धाम्य मेरे पुत्र, गुरु, धाम्य मेरे पुत्र। नंदी भैया कहाँ चले गए? नंदी भैया, आप इस तरह एकांत में क्यों बैठे हैं? एकांत में ना बैठे तो कहाँ बैठे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वियोग अब मुझसे सहन नहीं होता। क्या भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपको बताकर नहीं गए कि वे कब लौटेंगे? आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मुझे कभी कुछ बताकर नहीं जाते। फिर आप लोग बार बार मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? उत्तेजित न हो नंदी भैया, प्रभु के न रहने पर हम सबको आपका ही आश्रय है। नंदी भैया, आप बताएं इस वियोग से हम किस प्रकार मुक्त हों? भगवान भोलेनाथ का महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके हम हर वियोग से मुक्त हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि, प्रणाम माता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगी। श्री हरि, श्री हरि अपनी आंखें खोले, श्री हरि अपनी आंखें खोले, अपने भक्त नारद की जिज्ञासा को शांत करें, अपनी योग निद्रा को विराम दे, श्री हरि अपनी आंखें खोले। नारायण नारायण। भक्ति के इस प्रदर्शन को देखकर चकित मत हो नारद। प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ही है नारद। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का उत्सुक प्रत्येक व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की प्रेम में भक्ति के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान के मोह में उलझकर अपनी भक्ति का बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहा है। नारायण नारायण। भक्ति का प्रदर्शन? श्री हरि, भक्ति का प्रदर्शन तो भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। भविष्य के परिणामों से हम अपरिचित नहीं है नारद, किंतु समस्या ये है कि जब कोई सुनने का इच्छुक ना हो तो क्या किया जाए? श्री हरि, आप तो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं। माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर आप उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। नारद, तुम चतुर होते हुए भी प्राय ऐसा प्रश्न पूछ बैठते हो, क्या आश्चर्य होता है? श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, क्या देवी लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धर्म विमुख कार्य नहीं होगा? नारायण नारायण। श्री हरि, तनिक सरल भाषा में स्पष्ट करें कि माता लक्ष्मी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना ये धर्म विमुख कैसे होगा? तुम्हारी भाषा में कहूं नारद, तो व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है। जैसे मानव मात्र के लिए चिंतित रहना तुम्हारा कर्म है, यदि तुम
मानव मात्र के लिए चिंता ना करो तो क्या तुम धर्म विमुख नहीं हो जाओगे? अवश्य अवश्य ही मैं कर्म विमुख हो जाऊंगा। उसी प्रकार धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी का कर्म है मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धनी तथा समृद्ध बनाना। नारद, यदि देवी लक्ष्मी ब्रह्म ज्ञान को पाकर सन्यासिनी बन जाएंगी तो मानव मात्र को उनके कर्मों के अनुसार धन और संपत्ति कौन प्रदान करेगा? क्या इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना धन विमुख नहीं होगा? नारायण नारायण, अवश्य होगा श्री हरि विष्णु, अवश्य होगा। तुम कैलाश से होके आ रहे हो नारद? नहीं प्रभु, परंतु मैंने आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए देखा